हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 4, द एस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वृक्षों को हरा भरा करने वाली राग। विलियम एलियट ग्रिफ्स इसके जो कि ऑथर हैं। कल हमने जो पोएम पढ़ी थी सैड छप्पर, उसके क्वेश्चन आंसर हम आपको पीडीएफ फाइल के रूप में सेंड करेंगे। आज एक नया अध्याय, लेसन नंबर 4, विलियम एलियट ग्रिफ्स के द्वारा लिखा गया ये लेसन है, वृक्षों को हरा भरा करने वाली राख, द एस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो बच्चों थोड़ा सा हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम एलियट ग्रिप्स वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 17, 1843 इन फिलाडोल्फिया, पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट। जो विलियम एलियट ग्रिप्स हैं, इनका जन्म 17 सितंबर 1843 में फिलाडोल्फिया में हुआ, जो कि पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। ही वॉज एन अमेरिकन ऑर्नेडलिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन मिनिस्टर्स, लेक्चरर एंड प्रोफ्लिक ऑथर, प्रोलिफिक ऑथर। ग्रिप्स वॉज द सन ऑफ द सी कैप्टन एंड लेटर ए कॉल लीडर, कॉल ट्रेडर। ही डाइड ऑन February 5, 1928 इन फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट। 5 फरवरी 1928 में फ्लोरिडा में उनका, यूनाइटेड स्टेट में देहांत हुआ। वह एक बहुत ही अच्छे मिनिस्टर भी थे, लेक्चरर थे, प्रोफ्लिक ऑथर भी थे। तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे, इस लेसन में एक वृद्धदंपति और उसके पालतू कुत्ते की कहानी है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे। तो बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हम बता देते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। क्या कहा? दिस इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है किसकी? अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल, यह एक ईमानदार और मेहनती वृद्ध दंपति, ओल्ड कपल, वृद्ध दंपति, एंड देयर पैट डॉग और उनके पालतू कुत्ते की कहानी है। यह एक ईमानदार और मेहनती वृद्ध दंपति और उनके पालतू कुत्ते की कहानी है। द नेबर्स आर ट्रेबलशम, देखिए, द नेबर्स आर ट्रेबल सम एंड द डॉग डाइज एट सैड डेथ। पड़ोसी परेशान करने वाले हैं। द नेबर्स माने नेबर का होता है पड़ोसी, आर ट्रेबलशम, ट्रेबलशम माने परेशान करने वाले हैं, एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और कुत्ते की एक जो दर्दनाक मौत हो जाती है, यानी कि जो उस वृद्ध दंपत्ति के जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं हैं और उनके पड़ोसी उन्हें परेशान करते हैं और कुत्ते की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। द स्पिरिट्स ऑफ द डॉग गिव्स सोलेक एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और जो कुत्ते की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ डॉग गिव्स सोलेक, कुत्ते की आत्मा अप्रत्याशित तरीके से अपने मालिक को सांत्वना और सहायता देते हैं, अप्रत्याशित तरीके से, यानी कि जो प्रत्यक्ष नहीं होता है, जो नज़र नहीं आता है, अप्रत्याशित तरीके से अपने मालिक को सांत्वना और सहायता देती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित तरीके से, वेज माने तरीकों से, सांत्वना और सहायता देती है, सपोर्ट माने सहायता देती है, टू हिज मास्टर अपने मालिक को, क्या? सोलेक एंड सपोर्ट, सांत्वना और सहायता, सोलेक का मतलब होता है सांत्वना एंड सपोर्ट का मतलब होता है सहायता देना। तो ये तो था इसके बारे में। अब हम इसका जो पहला पैसेज है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो बच्चों प्रारंभ करते हैं, द एस एंड एस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। सबसे पहले मैं पैसेज प्रारंभ करता हूँ। इन द गुड ओल्ड एज ऑफ द डेमियोस, 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 इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग। डेमियोस के अच्छे पुराने दिनों में, गुड ओल्ड डेज माने अच्छे पुराने दिनों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल,
एक बूढ़ा पति पत्नी का जोड़ा रहता था, हुज ओनली पैट वॉज ए लिटिल डॉग, जिसका एकमात्र पालतू एक छोटा कुत्ता था। यानी कि डेमियोस के जो अच्छे पुराने दिन थे, यानी कि जो पुराने दिनों में वो बहुत अच्छे तरीके से रहते थे या उनके दिन जब अच्छे थे, तो एक बूढ़ा पति पत्नी का जोड़ा रहता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा पति पत्नी का जोड़ा रहता था, हुज ओनली पैट वॉज ए लिटिल डॉग, जिनका जिसका एकमात्र पालतू एक छोटा कुत्ता था, यानी उनके पास एक पालतू छोटा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई संतान नहीं होने के कारण, दे लव्ड इट एज दो आई इट वर ए बेबी, कोई संतान नहीं होने के कारण वे इसके लिए प्यार करते थे क्योंकि यह एक बच्चा था। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, क्योंकि वह एक बच्चा था, यानी कि उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो वो थे, जो था वो दंपति, उस कुत्ते के बच्चे को अपने बच्चों की तरह से ही प्रेम करते थे, प्यार करते थे। आगे देखिए, दी ओल्ड डैम मेड इट ए कॉशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड एट मील टाइम मुको फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज शैंग शनग एज एनी कैट। देखिए यहाँ पे दी ओल्ड डैम, क्या कहा यहाँ पर, देखिए जो मीनिंग आए हैं, डैम का मतलब होता है सम्मानित महिला, डैम होती है सम्मानित महिला, और कुशन सी यू एस एच आई ऑन कुशन का मतलब होता है गद्दी, क्रैप होता है एक प्रकार का जो कपड़ा होता है इसे क्रैप बोलते हैं, मुको होता है भोजन के समय खाने का कपड़ा जिससे वस्त्र खराब नहीं होते भोजन जब हम करके, डैम्यूज क्या होते हैं, डैम्यूज होते हैं धनवान और ज़मींदार जो होते हैं उनको डैम्यूज बोलते हैं, शनग होता है आरामदायक, और टिडबिट होता है चटपटे आहार का टुकड़ा। तो क्या कहा, द ओल्ड डैम, बूढ़ी महिला ने मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, कुशन क्या होता है, कुशन होता है गद्दी, कुशन गद्दी होता है, और क्रैप होता है एक प्रकार का कपड़ा। दी ओल्ड मैन ओल्ड डैम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, बूढ़ी महिला ने इसे नीले क्रैप की गद्दी बना दी, और भोजन के समय मुको एंड एट मील टाइम मुको, और भोजन के समय मुको क्या होता है, एक कपड़ा होता है जब भोजन करते वक्त उसे गले में रखा जाता है ताकि कपड़े ख़राब नहीं हो, तो और भोजन के समय मुको जो कि इसका नाम था, जो कि फॉर दैट वाज इट्स नेम, जो कि उसका नाम था, वुड सिट ऑन इज एट स्नग एज एनी कैट, किसी भी बिल्ली की तरह गरम इस पर बैठा रहता था, यानी कि जो वो पिल्ला है बच्चा है स्नग होता है आरामदायक तरीके से बैठा रहता था। तो बूढ़ी महिला ने इसे नीले क्रैप की गद्दी बना दी, किसको, उसके लिए, और भोजन के समय मुको जो कि इसका नाम था, यानी उस बिल्ली का नाम उन्होंने क्या रखा था, मुको, किसी भी बिल्ली की तरह इस पर बैठा रहता था, यानी कि जो कुत्ते का बच्चा था छोटा वो बिल्ली की तरह से उस पर गर्म इस पर चुपचाप बैठा रहता था, और नीले क्रैप की जो गद्दी उसके लिए उस वृद्ध महिला ने बनाई थी। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. यहाँ पर देखिए, chopstick होता है चीनी काटा, chopstick क्या होता है, चीनी जो काटा होता है, चीनी व्यक्ति जो भोजन करते व्यक्ति काटे का इस्तेमाल करते हैं, हो होती है कुदाली, स्पैड होता है फावड़ा, हेरन होता है बगुला, और tidbit होता है चटपटे आहार का टुकड़ा, चटपटे आहार का जो टुकड़ा होता है वो होता है टिडबिट। तो क्या कहा, द काइंड पीपल, जो दयालु दोनों दयालु पालतू जीव को अपने स्वयं के चॉपस्टिक से मछली के छोटे टुकड़े तथा जितना वह चाहता उतने उबले चावल खिलाते थे, यानी कि
दे काइंड पीपुल, यानी कि वे दोनों पति पत्नी थे, वे दोनों काइंड पीपुल फेड द पैट, उस पालतू जीव को किसे खिलाते थे, विद टिडबिट ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपने स्वयं के चॉपस्टिक से मछली के छोटे टुकड़े, तथा एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना वह चाहता उतने उबले चावल खिलाते थे। यानी कि जो पाल जो दंपत्ति थी वो अपने उस छोटे कुत्ते को भोजन खिलाने के लिए क्या करती थी, वो अपने स्वयं का जो चॉपस्टिक होता है, कांटा होता है जिससे भोजन करते हैं, उससे मछली के छोटे छोटे टुकड़े पकड़ के उसको खिलाते थे, और जितना उसके जिसे उसे जितने चावलों की आवश्यकता पड़ती थी उतने उबले हुए चावल भी उसे खिलाते थे। Thus treated the dumb creature loved its protector like a being, like a protector, like a being with a soul. क्या कहा, the dumb creatures loved its protector like a being with a soul, with a soul. क्या कहा, इस प्रकार के व्यवहार के कारण, thus treat का मतलब होता है व्यवहार करना, इस प्रकार के व्यवहार के कारण दे डैम डम्ब होता है गूंगा, डम्ब होता है गूंगा प्राणी, डम्ब क्रीचर गूंगा प्राणी, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, अपने पालनहारों को, प्रोटेक्टर होते हैं पालनहारों के, लाइक ए बींग विद ए शोल, अपनी आत्मा से प्यार करता था। यानी कि जो छोटा कुत्ते का बच्चा था, इस प्रकार के व्यवहार के कारण जो उसके पालनहार थे, यानी कि वृद्ध दंपत्ति, उनको अपनी आत्मा से वो प्यार करता था, बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करता था। तो बच्चों, इस प्रकार से आज का ये आपका पैसेज था, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में कल हम अगला जो पैसेज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक्स।